हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में हमें कई सारी बड़ी चीजें देखने को मिली थी, बट इस वीक का रॉ कुछ कम नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हमें ब्रॉक लेसनर एंड ओमोस आमने सामने आते हुए दिखने वाले हैं। रेसलमेनिया के लिए एक बड़ा मैच होते हुए दिखने वाला है ऑफिशियल। इसके अलावा और भी काफी कुछ, एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। तो सबसे पहली चीज जिसे WWE ने कर दी है ऑफिशियल, वो ये कि हमें एज कॉल आउट करते हुए दिखने वाले फिन बैलर को। जैसा कि आप सब जानते हो, लास्ट वीक के रॉ में हमें फिन बैलर एंड जॉनी गर्गानो के बीच मैच देखने को मिल रहा था, जिस मैच में एज का रिटर्न देखने को मिलता है जो कि फिन बैलर को मैच हरवा देते हैं। और इस वीक के रॉ में एज हमें कॉल आउट करते हुए दिखने वाले फिन बैलर को, यानी कि ये दोनों आने वाले फेस टू फेस। और आप सब जानते हो, ये लगभग पूरी तरह से कंफर्म है कि हमें एज वर्सेस फिन बैलर का मैच देखने को मिलने वाला है रेसलमेनिया 39 में। बट डाउट ये है, जो रूमर्स आए थे कि ये हेल इन अ सेल मैच होने वाला है और इस मैच में हमें डीमन बैलर देखने को मिलेगा, तो क्या ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं। सो इस वीक के रॉ के इस सेगमेंट से आप सबको लगभग सारी चीजें क्लियर होते हुए दिख सकती है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे WWE ने कंफर्म कर दिए, वो ये कि हमें ब्रॉक लेसनर एंड ओमास आमने सामने आते हुए दिखने वाले, यानी कि इनका हमें फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिलने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हो, ब्रॉक लेसनर एंड ओमास का मैच लगभग 2 वीक पहले के रॉ में ऑफिशियल हो गया था, बट अभी तक ब्रॉक लेसनर एंड ओमास आमने सामने नहीं आए। बस ब्रॉक लेसनर ने अटैक किया है MVP पर, लेकिन इस वीक के रॉ में WWE ने इस बात को कर दिया है कंफर्म कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर एंड नाइजेरियन जायंट ओमास हमें आमने सामने आते हुए दिखने वाले हैं। So, सभी इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि क्या यहाँ पर हमें ब्रॉल देखने को मिलेगा, और अगर देखने को मिलता है तो क्या ब्रॉक लेसनर F5 दे पाते ओमास को, या फिर ओमास ही हमें अटैक करते हुए दिखते हैं ब्रॉक लेसनर पर। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है एक टैग टीम मैच जॉनी गार्गानो एंड डेक्स्टर लूमिस वर्सेस द जजमेंट डे के बीच। सो ये एक रैंडम सा मैच है, ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पर आप सबको जॉनी गार्गानो एंड डेक्स्टर लूमिस की जीत होते हुए दिखने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट मैच जो WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है अलायंस वर्सेस ब्रॉन्स एंड रेड के बीच। तो इनके बैकस्टेज सेगमेंट के बाद इनका हमें मैच बनते हुए दिखा, और आप सब जानते हो, ज्यादा चांसेस यही है कि यहां पर आप सबको जीत होते हुए दिखने वाली है ब्रॉन्स एंड रेड की। इसके बाद नेक्स्ट मैच जिसे WWE ने कर दिया है ऑफिशियल, वो है बियंका बेलेर वर्सेस चेल्सी ग्रीन के बीच। जैसा कि बियंका बेलेर एंड आस्का का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 39 में, बट अभी ये दोनों एक तरह से टैग टीम के तौर पर काम कर रही है रॉ में, बिकॉज कार्मेला एंड चेल्सी ग्रीन एक टीम में, और लास्ट वीक आस्का ने फेस किया कार्मेला को, और इस वीक हमें बियंका बेलेर फेस करते हुए दिखने वाली है चेल्सी ग्रीन को। एंड ये ऑब्वियस है, यहाँ पर जीत होने वाली है बियंका बेलेर की। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए जॉन सीना एंड ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। जैसा कि गाइस, लास्ट वीक के रॉ में हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिला एंड उनका मैच ऑफिशियल होते हुए दिखा ऑस्टिन थ्योरी के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 39 में। सो इस वीक के रॉ में WWE एडवर्टाइज नहीं करी है जॉन सीना को, इसलिए चांसेस है कि इस वीक के रॉ में जॉन सीना नहीं आने वाले। बट हाँ, अपडेट ये है कि जॉन सीना रोड टू रेसलमेनिया में शामिल रहने वाले, यानी कि रेसलमेनिया से पहले वो आप सबको कुछ और रॉ में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीक के रॉ में चांसेस कम है कि जॉन सीना आए, तो हमें ऑस्टिन थ्योरी प्रोमो कट करते हुए दिख सकते हैं जॉन सीना पर। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए सेथ रॉलिंस एंड लोगन पॉल के बारे में। जैसा कि लास्ट वीक के रॉ में सेथ रॉलिंस ने लोगन पॉल को फेस टू फेस आने को बोला ताकि वो अपना बदला ले पाए लोगन पॉल से, बट लोगन पॉल ने मिस की हेल्प से सेथ रॉलिंस पर ही कर दिया अटैक, और जाहिर सी बात है कि सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा गुस्से में होने वाले। तो इस वीक के रॉ में अगर लोगन पॉल आते हैं देन लोगन पॉल पर तो वो हमें अटैक करते हुए दिख ही सकते हैं, लेकिन मिस तो मौजूद रहने वाले हैं, इसलिए चांसेस अच्छे खासे हैं कि मिस आप सबको बुरी तरह से पीटते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद फाइनली बात कर ली जाए द ब्लड लाइन वर्सेस केविन ओवेंस सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स के फ्यूड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो, ब्लड लाइन सेम पेज पर आ चुकी है एंड लास्ट वीक के रॉ में हमें सैमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स एक साथ आते हुए दिखे, बट अभी तक सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस एक साथ नहीं आए, यानी कि इस वीक के रॉ में या फिर आने वाले किसी रॉ के एपिसोड में चांसेस लगभग पूरे है कि केविन ओवेंस भी हमें शामिल होते हुए दिखने वाले इनकी टीम में, बिकॉज उसोज वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन का मैच रूमर्ड है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 39 में। वहीं स्मैकडाउन में तो आप सबको पता ही है कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन ने अटैक किया था उसोज पर, तो जाहिर सी बात है ब्लड लाइन कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन से जरूर से बदला लेना चाहेगी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया ही था, आप सबको कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की फ्यूड रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों पर चलते हुए दिखने वाली है, बिकॉज जो नेक्स्ट वीक का रॉ होने वाला है यानी कि 20th मार्च का रॉ, इसके बाद वाला रॉ, वहां पर आप सबको रोमन रेंस देखने को मिलने वाले हैं। सो उसोस के तो इस वीक के रॉ में चांसेस है कि वो आप सबको देखने को मिल सकते, मे बी क्या पता हमें रोमन रेंस भी देखने को मिल जाए जो कि आकर अटैक करने की कोशिश करे कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन पर। सो गाइस, यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना
इतनी सारी चीजों में आप इस वीक के रॉ में किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।